बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईया का नाम दुवैया का नस्ताईन अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से पहले बड़ी खबर सामने आ गई है और वो बड़ी खबर ये है कि बाकायदा तौर पर पीडीएम की जितनी भी ये 12-14 जमातें हैं, इन जमातों ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो इस टाइम ये समा चल रही है और ये जो तमाम तस्वीरें चल रही हैं, तो उसका अब बाकायदा तौर पर पीडीएम ने बाइकाट कर दिया है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अब हम इस मजीद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि हमने फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा की थी जो मुस्तरद कर दी गई है, तो इस वजह से हम अब आपके इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो उन्होंने अब बाकायदा तौर पर बाइकाट कर लिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने ही अदालतों का बाइकाट किया है, ये पहली दफ़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि देखें, ये कह रहे थे कि 5 जज इस केस को सुने, कल ये कहेंगे 7 सुने, फिर ये कहेंगे 10 सुने। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी मर्जी का फैसला करती है और सुप्रीम कोर्ट ने इनसे बार बार कहा था कि हमें वो रीज़न बता दें कि जिस रीज़न की बुनियाद के ऊपर फुल कोर्ट बनाए। तो इनके जितने भी वकील थे, अहमदा शहबाज शरीफ का वकील, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर का वकील अरफान कादर साहब जो हैं, और इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन का वकील, वो सारे वकला जो थे, वो सारे वकला इस बात के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे मोजज जज साहिबान हैं, तो उनको ये वहाँ पर मुतासर करने में कामयाब नहीं हो सके। बात सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही रुकी थी कि आप हमें बताएं कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है आइन में, ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टी का हेड फैसला करता है। अभी तक लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप लोग मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।